प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कल अदालत ने तलब कर रखा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और इसी असना में उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल की गई उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से, उसको भी उन्होंने कल ही सुनना है, उसकी भी प्रोसीडिंग कल ही होनी है। अगर कल अदालत उनको डिक्लेयर कर देती है कि जी वो एब्सकॉन्डर हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं, उनको अदालत पेश किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, चूँकि अदालत का हुक्म है, हुकूमत पाकिस्तान को उस हुक्म पे अमल करना होगा, और हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लेती है जिस पे वो उनकी गिरफ़्तारी की जानब बढ़ती है, या वो किसी तरह पाकिस्तान आने का फ़ैसला करते हैं इश्तिहारी या मफरूर करार दिए जाने के बाद, उनको अरेस्ट किया जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन डिवेलप होती है, इस सारी सिचुएशन पे अदालती हुक्म पे आप, आपकी पार्टी, आपके जमात के लोग, कारकुनान कोई रिजिस्ट रिटेलिएट करने का इरादा तो नहीं रखते? बहुत शुक्रिया जी। मियां नवाज शरीफ के मुताबिक अदालतों ने क्या कहा, इस मुल्क के बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, जनरल परवेज मुशर्रफ से लेके और आज तक परवेज मुशर्रफ की जो बातियात है उन्होंने क्या कहा, वो कोई अवाम से उनसे आप बिल्कुल डरती चुकी बात नहीं। इसके बावजूद जब मियां नवाज शरीफ मैदान में उतरता है, वो चाहे टीवी रोड पर निकले, चाहे वो बैलेट बॉक्स रखे, चाहे मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज, चाहे मियां नवाज शरीफ का सिपाही शाहिद खाकान अब्बासी, चाहे मियां नवाज शरीफ का भाई बरसेरा और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब कराची का रुख करें, तो आपने देखा कि अवाम के जज्बात क्या हुए। और वो जो छुपे बैठे हैं जिन्होंने ये पूरी कैबिनेट मीटिंग की कि मियां नवाज शरीफ को हम ला रहे हैं वापस, वो जब कराची गए उनको भी आपने देखा। अगर तो पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कल वापस आ गए, वो आज वापस पहुंचने के लिए तैयार है। अगर कोई ये कहते कि आपसे मुल्क नहीं चल पा रहा, चीनी चोरों को आप नहीं पकड़ सके, आटा चोरों को नहीं पकड़ सके, और अभी अगर आज भी आप खबर देखें तो आज उमर यूब साहब ने जो खबर दी है कि सर्दियों में मुल्क एक गैस के बहुत बड़े गोदाम का शिकार होने जा रहा है, लेकिन आज तो खबर नहीं है। खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ को एक अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। बहुत सारे केसों में से एक केस वो था जिस जज अक्षर मंगे को नौकरी से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ फिजिकल टेस्ट, लेकिन उसका फैसला भी बहाल है। वो किस तरह है, क्योंकि फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया था इसलिए वो बहाल रहा, और शायद अंदर भी बहाल रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमार है, मियां नवाज शरीफ अपनी अहलिया को छोड़ कर आए, आपके जो अदालत ने सजा दी थी वो सजा होगी। हरियाणा जेल गवाह है और मुजफ्फरपुर जेल गवाह है, सैकड़ों पेशियां गवाह है, सुप्रीम कोर्ट से लेके एहतसाब अदालत तक की दलों दीवार गवाह है कि वो किस खंदा परेशानी से, वो किस जुर्रत के साथ, वो चमकती परेशानी लेके हर जगह हाजिर हुआ। तो मैं हाजिर हूँ एहतसाब के लिए, सोचा हर तरह की बात करते बिल्कुल करने वाला, जिसके अंदर क्या है मियां नवाज शरीफ की, क्या आप मुझे हुक्म करें जो चार बनते हैं मैं वो हुकूमत के देने को तैयार हूँ अगर मियां नवाज शरीफ पर वाकई वो बनते हैं। आपने कहा जी वो बड़ी खंदा पेशानी के साथ उन्होंने पहले सामना किया अदालतों का और उनको जब तलब किया वो आए, तो अब ये बताएं चौधरी साहब वो आप क्यों नहीं आ रहे, आप फिर आ जाएं, आके अदालतों का सामना करें, अगर उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी कंडीशन ख़राब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्या कोई ऐसी मुमकिनात में से हो सकती है कि वो पाकिस्तान आए, आके अपना मज़ीद इलाज यहाँ पर कंटिन्यू करें? अगर कल अदालत ये कहती है कि जी आप मज़ीद इलाज यहाँ से कंटिन्यू करें पाकिस्तान से और हमारा सामना करें आके, तो वो क्यों नहीं आ जाते? तो भी से जो है वो जून से कबूल करेंगे,
अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि जब वो आएंगे सामना करेंगे तो मियां साहब अकेले आएंगे या उनके साथ इसहाक डार साहब भी आएंगे, सलमान शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे, मियां साहब के साथ कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा? बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है।